Hello friends, this is Susan from Lumini Balangir, and we have reached here. This is Cement Nagar. You can see the board right there. Let us see. That's the cement factory of Bargarh. The location name is Dang, I think so. Yeah, see the board. We are about to reach our destination. That's about 6 to 7 kilometers from here. So we will see you back. तो फ्रेंड्स इधर से हम जाएंगे सीधे जो जहाँ के रोड जाता है भड़ीगांव है उस गांव का नाम। तो उधर रोड के मतलब साइड से हम आपको सीनरी सब दिखाएंगे क्या सीन है सब। तो लेट्स गो दोस्तों। हम डांग के सबर्बन सब रूरल एरिया में हैं और ये देख सकते हैं आपके श्यामाकाली मंदिर है, श्यामाकाली का मंदिर है और इधर से ही सब रूरल एरिया स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं काली भगवान है, जय माँ काली। और आप देखिए यहाँ पे सब जो फ्लैग लगाया गया है, अभी अभी मंदिर शायद तक भी हुआ है, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन जो भी हो डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा है हमारा। और आगे है थोड़ा, उधर है सीमेंट फैक्ट्री, आपको दिखाते हैं हम। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या है सब सीन है। इधर से हम लेफ्ट टर्निंग लेने वाले हैं। ये रहा बरगढ़ का सबसे मतलब वाइडेस्ट कैनाल है। इधर अभी तो पानी शायद तक नहीं आ रहा होगा, इधर से लेफ्ट टर्न लेंगे हम। ये रहा फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। यहाँ इधर पानी नहीं है और ना इधर इतना दूर तक पानी आता है, रेनी सीजन में इतना दूर तक पानी आता है। जहाँ ये जो मिट्टी देख रहे हो आप, जहाँ कचरा है उधर आगे हमारा डेस्टिनेशन। तो इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है हमारा, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी आप देख पाओगे अभी। आगे और भी ब्यूटीफुल सीनरी हम आपको दिखाते जाएंगे। उधर एक ब्रिज है, उधर से पानी फुल जाता है जब रेनी का सीजन होता है या जब केनाल का वो जो पानी रहता है हीराकुड डैम में खोला जाता है, इधर फुल पानी आता है, उधर पैरों तक पानी आता है। ओहो इधर का नज़ारा एक नंबर है। ओरा नदी, वो जो उसको जीरा नदी बोलते हैं, बरगढ़ का एक नदी है, ये नदी रिवर का ट्रिब्यूटरी है जो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी तो नहीं है अभी, पानी है लोग नहा भी रहे हैं। नीचे खाई है, ये पूरा फुल पानी आता है इधर से नीचे, इधर देख लीजिए इधर से पानी बह के जाता है और इधर साइड के नाम है। ये जो साइड है आपको दिखा रहे हैं हम, उतना दूर तक पानी आते हैं।
ऐसा कोई बात नहीं है, हम तीनों गिरे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलते हैं। बालवीर हनुमान भी गिरे हैं पानी में, ये देखिए हनुमान जी। अरे फ्रेंड्स, हम सक्सेसफुली ऊपर आ चुके हैं बहुत मशक्कत के बाद। उधर देखिए कैनाल है, वो नीचे से हम वो नीचे से सक्सेसफुली ऊपर चढ़ चुके हैं। मेरा पैर ना भाई पूरा दलदल में फंस गया था, निकलने ही नहीं हो रहा था, पूरा एक्सप्लोर हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का सीनेरियो हम आपको दिखाते हैं। Quite a very nice place to visit. कुछ पूजा पाठ चल रहा है उधर, आप देख सकते हो। ये है बैद्यनाथ मंदिर। आप देखिए ये है मंदिर। यहाँ पे जगन्नाथ भगवान विराजमान है, आप देख सकते हो। यह है बैद्यनाथ मंदिर, बहुत ही अच्छा अच्छा ये जगन्नाथ जी की पूजा होता है यहाँ पे। ये देखिए, प्रतिष्ठा हुआ था 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था ये मंदिर प्रतिष्ठा। यहाँ पुजारी जी से मिलते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। पुजारी है क्या?
हम कुछ सवाल पूछेंगे मंदिर के बारे में, थोड़ा बताएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के मतलब देवगांव। कितने साल से पूजा कर रहे हैं? 130 साल हो गए। ये मंदिर कितना पुराना है? मुझे मालूम नहीं है, बाकी ये प्रतिष्ठा हुआ है 1973 में हुआ है जी। तो उसका कुछ इतिहास है, किंवदंती है, कुछ हिस्ट्री है, मंदिर बनने के पीछे कुछ है?